और फिलहाल हमारे सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवघर से। दीप नारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर आने वाले हैं, दो दिनों का उनका दौरा है और साथ ही जो जिला प्रशासन है, मंदिर प्रशासन है, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अगर उनके स्वागत की बात की जाए तो उनके स्वागत के लिए राज्य की ओर से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उनका स्वागत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह का ये जो कार्यक्रम देवघर में आयोजित होने वाला है वो तीन महीने में काफी खास है और आप नटसेल में अगर समझ लें तो एक बड़ी सौगात संथाल पनाह को मिलने जा रही है, दूसरी तरफ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसे अहम माना जा रहा है क्योंकि संथाल पनाह की 3 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीटों पर फतह हासिल करने के लिए ये तमाम रणनीति यहाँ पर तय की जाती है। और जैसा सभी जानते हैं कि गृह मंत्री जो अमित शाह है वो राजनीति के चाहक के माने जाते हैं, तो कई मायनों में ये जो कार्यक्रम है वो काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ चूंकि व्यवस्थाएं जो है वो काफी दुरुस्त रखी गई है, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक तरफ पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाल कर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि एक क्रांतिकारी इस्तकबाल दिया गया है, दूसरी तरफ से जगह जगह पर देवघर एयरपोर्ट से लेकर इफ्को मैनर प्लांट जो मानिकपुर जसीडी में है इसकी दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर हो जाती है, तो ऐसे में जगह जगह पर स्वागत के लिए बड़े बड़े स्टेज बनाए गए हैं जहां पर बीजेपी और आम लोग के जो कार्यकर्ता हैं वो फूलों की बारिश करेंगे इनके काफले पर। इसके अलावा जो कार्यक्रम होगा वो 11 बजे से शुरू होगा, 11 बजे देवघर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और उसके बाद वहां उनका स्वागत होगा और सड़क मार्ग से वो सीधे बाबा मंदिर आएंगे जहां पर तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का कार्यक्रम होगा, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इनको संकल्प कराकर पूजा और दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो सड़क मार्ग से ही पहले नहर गार्डन रिसोर्ट आएंगे, वहां अल्पाहार लेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल मानिकपुर इफ्को प्लांट के पास पहुंचेंगे जहां पर इफ्को नैनो पावर प्लांट जो पावर यूरिया प्लांट है उसका शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम जो है तकरीबन 1.5 घंटे का बताया जा रहा है। इसके बाद गृह मंत्री जो है वो रामकृष्ण विद्यापीठ जो है वहां पर आएंगे, हमारे पीछे की जो ये तस्वीर है ठीक हम वहीं पर अभी खड़े हैं, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जो देश के सर्वश्रेष्ठ ये थे हमारे सहयोगी दीप नारायण जिन्होंने बताया कि कई लिहाज से अमित शाह का ये दौरा बहुत खास है क्योंकि ये 2 दिनों का उनका दौरा है। सबसे पहले वे पहुंचकर मंदिर आएंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।